बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद, मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफिला लाहौर जमान पार्क पहुँच गया है और इमरान खान के काफिले का ठोकर न्याज बेग और फिर जमान पार्क पहुँचने पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया है। कारकुनान ने पार्टी चेयरमैन पर फूल निछावर किए हैं, उनके हक में नारेबाजी भी की गई है, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं कारकुनान की जानिब से और जमान पार्क के बाहर जश्न का वक्त और अलकादर ट्रस्ट समेत दीगर केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान डीआईजी सिक्योरिटी की गाड़ी में इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुईन जुबैर से। मुईन, बताइएगा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जमान पार्क की? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब जमान पार्क अपनी रिहाइश का पहुँच चुके हैं, इस वक्त अपने रिहाइश का भी मौजूद हैं, जबकि वर्कर्स रात के इस वक्त भी बड़ी तादाद में जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर कबल यहां पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ये एक जश्न का समा है जो जमान पार्क में आज हमें देखने को मिल रहा है। जब रात 2 बजे 2:15 बजे के करीब इमरान खान साहब लाहौर की हदूद में दाखिल हुए तो हमने देखा कि ठोकर न्याज बेग पर जब इमरान खान का काफ़िला पहुंचा तो वहां पर जो कैंप लगाया गया था वहां पर लोगों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया और इमरान खान को लाहौर की हदूद में ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिला। फिर जो कैनाल रोड से लेकर ठोकर न्याज बेग से लेकर जमान पार्क तक का जो रास्ता है, मुख्तलिफ मुकाम पर लोग खड़े रहे, फैमिलीज़ खड़ी रहीं, गाड़ियाँ लेकर इसी तरह बच्चों को लेकर खड़े रहे और इमरान खान साहब का मुख्तलिफ मुकामात पर कैनाल रोड पर इस्तकबाल किया गया और इस्तकबाल ज़बरदस्त इस्तकबाल जो है वो जमान पार्क का उनकी रिहाइशगाह के बाहर किया गया, जहाँ पर ढोल की थाप पर रक्स किया गया, घोड़े यहाँ पर बुलवाए गए, रक्स किया गया, ज़बरदस्त किस्म का एक वेलकम हमने आज के दिन इमरान खान साहब का जमान पार्क देखा। इस वक्त इमरान खान अपनी रिहाइशगाह में आराम कर रहे हैं जबकि वर्कर्स अभी भी अपने कायद के इस घर के बाहर जो है वो मौजूद हैं। जी अच्छा, मोइन ये बताएं कि इमरान खान जो है वो लाहौर जमान पार्क पहुंच गए हैं तो इस वक्त जो है वहाँ पर पीटीआई कारकुनान तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उनके साथ साथ क्या जो पीटीआई लीडरशिप है वो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है और कौन कौन से अहम रहनुमा जो है वो इस वक्त वहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, जो सेकंड टीयर की लीडरशिप है वही इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर वर्कर्स के साथ मौजूद है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हैं वो भी उसकी भी इतलात जो है वो मिलती रहीं, इसलिए जो टॉप लीडरशिप है वो जमान पार्क उनकी रिहाइशगाह इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो यूनियन काउंसिल के जो जिम्मेदारान हैं इसी तरह दीगर जिम्मेदारान हैं वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं वर्कर्स के साथ और हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो भांजे हैं वो भी वर्कर्स के साथ इस वक्त भी रात गए मौजूद हैं और वर्कर्स का जो जोश व जज्बा है वो मजीद उभारा जा रहा है। जी अच्छा मोइन, आपने इस मौके पर किसी कारकुन से बात की है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है? जी अगर आप हमारी आप इस वक्त लाइव किसी कारकुन से बात कर सकें। जी हम थोड़ा दूर खड़े हैं, आपको पैन करके कैमरा दिखा देते हैं कि वर्कर्स मौजूद हैं, ये देखें है ये जो बल्कि ये मेन एंट्रेंस है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर की, तमाम जो इस वक्त नाज़रीन बोल टीवी की स्क्रीन को देख रहे हैं अंदाज़ा किया जा सकता है किस तरह अपने कायद के इस्तकबाल करने के बाद उनकी रिहाइशगाह के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये वर्कर्स, जबकि जो सिक्योरिटी है इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर वो इन वर्कर्स को अभी रोक रही है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि इस वक्त भी स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने जिसमें पीटीआई के जो कैप्स हैं बैजेस हैं वो फ्रॉक किए जा रहे हैं। ये समा जो है वो लाहौर पहुंच चुका है और इस वक्त जो है वो कारकुनान जो है बहुत बड़ी तादाद में जमान पार्क मौजूद हैं और उनकी जानिब से वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया अपने कायद का। हमारे नुमाइंदे मुईन जुबैर वहाँ पर मौजूद हैं और हमें लम्हा बा लम्हा तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए।